हाय डियर, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट को अपने लोकल कंप्यूटर से सी पैनल में किस तरह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इस काम के लिए जो हमें स्टेप्स करने होंगे वो कुछ इस तरह होंगे। सबसे पहले आपको लोकल पे काम करना होगा। लोकल में आपको क्या काम करना होगा, जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो ये है, मेक जिप कंप्रेशन ऑफ योर वर्डप्रेस प्रोजेक्ट फोल्डर। ये क्या है कि आप जहाँ पे आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है, मतलब जो आपका वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट जिस फोल्डर में पड़ा है, पहले उस फोल्डर में आ जाए। आप उस फोल्डर में आ गए, ये आप देख सकते हैं किस फोल्डर में आना है। मैं आया हूँ वर्डप्रेस कोर्स प्रोजेक्ट, और इस फोल्डर में आप देख सकते हैं कि ये मेरा वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट पूरा पड़ा हुआ है। ठीक है, आपने इस फोल्डर में आना है जिस फोल्डर में आपका वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है लोकली, और उसकी एक जिप कंप्रेशन फाइल बना लेनी है। मैक में आप सिंपली राइट क्लिक करके उसकी कंप्रेस करेंगे तो वो एक जिप फाइल बना देगा। अगर विंडोज में आप हैं तो आपको पहले विन आर ए आर इंस्टॉल करना होगा, और उसके बाद आप विन आर ए आर के थ्रू उसको राइट क्लिक जब फोल्डर पे करेंगे विन आर ए आर इंस्टॉल करने के बाद, तो वो आपको ऑप्शन देगा ऐड टू आर्काइव, उसके थ्रू आप उसकी जिप फाइल बना लें। जिप फाइल जब आपकी बन जाए, उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि एक्सपोर्ट डेटाबेस ऑफ योर वर्डप्रेस प्रोजेक्ट। डेटाबेस एक्सपोर्ट करने से क्या मतलब है कि हमने सबसे पहले अपने जो फोल्डर था उसकी एक जिप फाइल बना ली। अब हमें जो हमारा लोकल में हमने डेटाबेस इस प्रोजेक्ट के साथ लिंक की होती है उसको एक्सपोर्ट करना होगा। उसके लिए आप गूगल में आ जाएँ। गूगल क्रोम में आने के बाद आप अपने पी एच पी माई एडमिन में आ जाएँ। अगर आप विंडोज़ में हैं तो आप सबसे पहले अपने सैम की अपाची और माई एस क्यूएल सर्विस स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद आप जब गूगल क्रोम में आके लोकल और स्लैश पी एच पी माई एडमिन लिखेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। और अगर आप मैक में हैं तो आप लोकल बाई फ्लाई व्हील यूज़ कर रहे होंगे, तो आप वहाँ से डायरेक्टली ही डेटाबेस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आप लोकल बाई फ्लाई व्हील को यूज़ करते हो कैसे डेटाबेस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। विंडोज़ में आप अपने लोकल और स्लैश पी एच पी माई एडमिन में आ जाएंगे। वहाँ पे जब आप आएंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, और आपने जो डेटाबेस बना के अपने इस प्रोजेक्ट के साथ जो डेटाबेस लिंक की हुई है उसको आपने एक्सपोर्ट करना है। अगर आपको ये याद नहीं कि आपने कौन सी डेटाबेस बना के अपने इस प्रोजेक्ट के साथ लिंक की थी, तो उसका बहुत ही आसान सा तरीका है। आप अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में आ जाएं, और आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एक फाइल है डब्ल्यू पी कन्फिग पी एच पी, आप इसको ओपन कर लें। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है डिफाइंड डीबी नेम। ये जो नेम लिखा हुआ है डब्ल्यू पी टेस्ट, ये आपकी वो डेटाबेस का नेम है जो आपने इस प्रोजेक्ट के साथ लिंक की हुई है। आप फिर पी एच पी माई एडमिन में आए, यहाँ पे देखें कि किस डेटाबेस का नाम डब्ल्यू पी टेस्ट है। आप देख सकते हैं इस डेटाबेस का नाम है, मतलब ये जो डेटाबेस है ये इस प्रोजेक्ट के साथ लिंक है। आप उस डेटाबेस पे क्लिक कर देंगे वो डेटाबेस ओपन हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही आप डेटाबेस पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। इस एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले आपने डेटाबेस पे क्लिक जरूर करना है। डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सारे टेबल्स मेंशन हुए हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से किसी ऑप्शन को आपने सेलेक्ट नहीं करना, जैसे या डिफॉल्ट सेटिंग को रहने दें और गो पे क्लिक करें। जैसे ही आप गो पे क्लिक करेंगे आपकी ये जो डेटाबेस है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो हमने अपने प्रोजेक्ट की डेटाबेस एक्सपोर्ट कर दी। आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। उसके बाद आपने सी पैनल में लॉगिन करना है। हमारे लोकल पे सिर्फ ये दो ही काम थे, हमने क्या करना था, सबसे पहले जो हमारा वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट था उसकी एक जिप फाइल बना देनी थी, जिप कंप्रेशन फाइल, और उसके बाद अपनी डेटाबेस को जो वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट की डेटाबेस थी उसको एक्सपोर्ट करना था। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कि सी पैनल में लॉगिन करें। तो आप गूगल क्रोम में आ जाएं और अपने सी पैनल में लॉगिन कर लें। सी पैनल में लॉगिन करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, डेटाबेस यूज़र एंड लिंक डेटाबेस यूज़र। तो मैंने एक डेटाबेस यूज़र बना लिया हुआ है। अगर आपको नहीं पता कि सी पैनल में डेटाबेस यूज़र कैसे बनाते हैं, तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं कि सी पैनल में आप एक न्यू यूज़र और डेटाबेस किस तरह बना सकते हैं। अच्छा, मैंने एक डेटाबेस बनाई हुई है। डेटाबेस बनाने के बाद आपने इम्पोर्ट योर डेटाबेस, जो हमने लोकली डेटाबेस को एक्सपोर्ट किया था, जो हमारी यहाँ पे हमने डेटाबेस को एक्सपोर्ट किया था, ये वाली जो हमारी डब्ल्यू पी टेक्स की डेटाबेस थी उसको हमने लोकल से एक्सपोर्ट किया था। हमने जो सी पैनल में डेटाबेस बनानी है उसमें उसको इंपोर्ट करना है। तो मैंने जो सी पैनल में अभी एक टेस्ट डेटाबेस बनाई है, तो हम इसमें इसको इंपोर्ट कर लेंगे।
आप यहाँ पे आएंगे, PHP माई एडमिन पे क्लिक करेंगे तो ये सारी डेटाबेसेस को ओपन कर देगा, ठीक है। यहाँ से जो आपने एक डेटाबेस नहीं बनाई है उसको सर्च करें यहाँ से, जो भी आपकी डेटाबेस है, और उसको जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये, क्योंकि न्यू डेटाबेस है तो इसमें कोई भी अभी टेबल नहीं है। उसके बाद जब आप डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेंगे, पता कैसे चलेगा कि ये सिलेक्ट हो गई है कि नहीं, आप यहाँ पे ऊपर पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है डेटाबेस, और आगे जो आपकी डेटाबेस जिसको आपने सेलेक्ट किया उसका नाम लिखा हुआ है। सिलेक्ट करने के बाद आप इंपोर्ट पे क्लिक करें, और उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करें। यहाँ पे आपने अपनी माई एसक्यूएल की फाइल जो आपने एक्सपोर्ट किया उसको सिलेक्ट करना है, और कोई ऑप्शन नहीं छेड़ना, और गो पे क्लिक कर देना। ये क्या करेगा, डेटाबेस इंपोर्ट करेगा और आपके जितने टेबल्स रिक्वायर्ड होंगे उन सबको बना देगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने फाइल मैनेजर में जाना है और वहाँ पे एक नया टेबल बनाना है, और वहाँ पे जो अपना प्रोजेक्ट था, जो हमने लोकल में जो अपना वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट था उसकी जिप जो फाइल बनाई थी उसको अपलोड करना है। तो सबसे पहले हम फाइल मैनेजर में आ जाएंगे, यहाँ पे सी पैनल के होम डायरेक्टरी में आने के बाद फाइल मैनेजर में आ जाएं। और मैंने अभी आप या तो आप अपनी प्राइमरी डोमेन को यूज़ कर सकते हैं, आपको पता है कि आपकी जो प्राइमरी डोमेन होती है, मतलब कि हमारी जैसे प्राइमरी डोमेन है zions.com, तो जो हमारी प्राइमरी डोमेन होती है ना, जब आप वो सी पैनल के साथ लिंक करते हैं प्राइमरी डोमेन, तो वो पॉइंट करती है पब्लिक अंडरस्कोर HTML को। ये आपकी जो फोल्डर होता है ना, ये ऑटोमेटिकली पॉइंट कर रहा होता है आपकी प्राइमरी डोमेन। मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए जो हमारा ये अभी हमने जो जिप बनाया है, इस प्रोजेक्ट के लिए एक यहाँ पे सब डोमेन बनाई है। अगर आपको नहीं पता कि आप सी पैनल में सब डोमेन किस तरह बनाते हैं, तो मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं उस वीडियो से कि आप सी पैनल में एक सब डोमेन किस तरह बना सकते हैं। ये मैंने इस डेमो प्रोजेक्ट के लिए एक सब डोमेन बना ली है, ठीक है। उस वीडियो में मैंने कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया हुआ है कि सब डोमेन क्या होती है और आप उसको कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो आप एक सब डोमेन बना लें, और अगर आपने मतलब अपनी ये जो आपकी वेबसाइट है, ये आपकी प्राइमरी वेबसाइट है, मतलब जो आपकी मेन वेबसाइट है जो आपके इस सी पैनल से मेन लिंक कर रही है, तो आप उसको अपलोड करेंगे इस पब्लिक अंडरस्कोर HTML, इस फोल्डर में आप अपलोड करेंगे अगर आपकी जो प्राइमरी डोमेन zions.com, अगर इसके लिए आप वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। मैंने क्योंकि ये वेबसाइट एक टेस्ट पर्पज़ के लिए बनाई है, तो हमने इसके लिए मैंने एक टेस्ट सब डोमेन भी बना लिया। तो इस सब डोमेन में आ जाएंगे और यहाँ पे अपना जो आपने जिप प्रोजेक्ट बनाया, जो जिप आपकी फाइल है उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। जहाँ पे आपकी जिप फोल्डर पड़ा हुआ है उसको यहाँ से सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। उसके बाद ये अपलोडिंग कंप्लीट होगी तो फिर नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे कंटिन्यू। तो ये हमारे प्रोजेक्ट की जो जिप फाइल थी उसकी अपलोडिंग कंप्लीट हो गई है। आपको अपलोडिंग जब ये जो बार है वो ग्रीन हो जाए और 100% हो जाए, तब ये अपलोडिंग कंप्लीट होती है, ओके। और अगर आपको इसके दरमियान कोई एरर आए तो वो आप कम्युनिटी में मुझसे पूछ लें, मैं उसका जवाब दे दूंगा। आप जब अपलोडिंग कंप्लीट हो जाए आप इस बटन पे क्लिक करें गो बैक पे, ये आपको वापस इस फोल्डर में ले आएगा जहाँ पे आपने अपलोड किया होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है, अनजिप और एक्सट्रैक्ट द फाइल। जो हमने फाइल अपलोड की है इसको अनजिप करना है। उससे पहले हम ये जो जो हमने टेस्ट यहाँ पे एक फाइल पर ये इसको डिलीट कर लेते हैं ताकि जो हमारी प्रोजेक्ट की फाइलें वो डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद ये इस फाइल को सिलेक्ट करें और इस पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है। अगर आपको यहाँ पे ना नजर आए तो आप इसको क्लिक करें, और यहाँ से आप टॉप बार में भी देख सकते हैं ये एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है। इस पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक कर दें। ये क्या करेगा, इस सारे प्रोजेक्ट को यहाँ पे अनजिप कर देगा। इसका जो कंटेंट था उसने यहाँ पे अनजिप कर दिया। उसके बाद ये इस फोल्डर में है, तो आप इस फोल्डर में जाके सारी फाइलों को सिलेक्ट करें, और फाइलों को बाहर मूव करने के लिए, मतलब एक फोल्डर पीछे जाने के लिए, आप इस पे सारी फाइलों को सबसे पहले आपने सेलेक्ट ऑल किया, वो सारी फाइलें सेलेक्ट होगी। उसके बाद राइट क्लिक किया, किसी एक फाइल पे रखे ताकि सारी फाइलें सेलेक्ट ही रहें, और मूव पे क्लिक किया। एक तरीका ये है। उसके दूसरा तरीका ये है कि आप सेलेक्ट ऑल करें और ये मूव ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक कर दें, और उसके बाद आपने जिस फोल्डर में लेके जाना है, जैसे कि मैंने लेके जाना था test.zions.com में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है test.zions.com/ ये फोल्डर का नाम लिखा है। तो अगर मैंने एक स्टेप पीछे जाना है तो मुझे बस ये फोल्डर का नाम मिटाना पड़ेगा। यहाँ पे उस फोल्डर का बस सिंपल पाथ पूरा लिख देना है जिसमें आप इसको मूव करना चाह रहे हैं। मूव फाइल्स करें, ये सारी फाइल्स एक फोल्डर पीछे, मतलब test.zions.com में मूव हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा गया, हमने htaccess फाइल को एडिट करना है और wp-config फाइल को एडिट करना है। हमारी जो वर्डप्रेस का जो होता है ना साइट, उसका मेनली डिपेंड करता है ये htaccess पे। htaccess आपकी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा डिफाइन करती है। अगर जब आपने यहाँ पे जिप कर रहे हो ना,
तो यहाँ से आपने इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हिडन फाइल्स हैं वो शो हों। हिडन फाइल्स को आप शो कर लें। मैक में ये ऑप्शन ऐसे है कि आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे और साथ में कमांड का बटन दबाएंगे और डॉट दबाएंगे, तो जो हिडन फाइल्स होंगी वो शो हो जाएंगी। और विंडोज़ में आप सिंपली जो फाइल ऑप्शंस में है वहाँ पे जाके जो हिडन फाइल्स हैं उसको शो कर सकते हैं।